तो दोस्तों नमस्कार। अब देखो, मैंने बताया था बायस थ्योरम का क्वेश्चन लूँगा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी इसी में। तो क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास दो बैग है, वी हैव टू बैग्स बी वन एंड बी टू। बैग वन में दो रेड और फाइव ग्रीन मार्बल्स है, बैग टू में दो रेड और छः ग्रीन मार्बल है। तो एक पर्सन है, उसने कॉइन टॉस करता है, पहले कॉइन को उछालता है। अगर टेल आता है तो बैग टू को पकड़ता है और एक मार्बल निकालता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट मार्बल इज़ रेड। अगर टेल आता है तो बैग टू को पकड़ता है, और अगर टेल नहीं आता है तो क्या आएगा कॉइन में हेड। तो अगर हेड नहीं आया तो, अगर टेल नहीं आया हेड आ गया तो बैग वन को पकड़ेगा। तो भाई वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि मार्बल जो है रेड है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में क्या कह रहा है, अगर मार्बल रेड है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग वन से आया है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, बैग से मार्बल आया पहले बैग वन और बैग टू होंगे, तो इसका ट्री डायग्राम मैं बनाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो भाई अब देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन चल नहीं रहे वहाँ का ठप पड़ गया। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि मार्बल जो है रेड है। तो रेड क्या होगा, रेड कब आएगा, या तो बैग वन से रेड आएगा या बैग टू से। तो भाई पी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो हो जाएगा वो पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैग वन या बैग टू, कौन सा बैग हम छाटे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो हम बैग वन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे छाटने की। वो कब निकाल, कब आएगा बैग वन, जब टेल आएगा, जब हेड आएगा तो बैग वन, अगर टेल आया तो बैग टू। तो पी ऑफ बैग वन जो है 1/2 हो गया, तो बैग वन मिलने की प्रॉबिलिटी भी क्या है 1/2, और बैग टू की भी 1/2 है। तो भाई रेड की प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी ऑफ बैग वन इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग वन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बैग टू इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग टू। तो भाई ये हो गया पहला पार्ट। तो कैसे होगा, बैग वन की प्रॉबिलिटी 1/2 जब आएगा हेड, तो बैग वन पर जाएगा रेड फ्रॉम बैग वन, 2/7 हो गया, 2/ टोटल बॉक्स 7 है, प्लस इसमें भी 1/2 इंटू रेड, वहाँ भी 2 है, 2/8 हो जाएगा, 6 ग्रीन है तो 8 बॉक्स टोटल होगी। तो 1/7 प्लस 1/8 कितना हो गया, 15/56 यह आ गया। तो भाई यह आ गया तुम्हारा 15/56। तो ये तो टोटल रेड की प्रोबेबिलिटी होगी। अब वो क्या कह रहा है, अगर मार्बल जो है रेड है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग वन से आया है। तो बेस थ्योरम कर दी, अभी तक क्या हो रहा था बैग से, देखो अभी क्या हो रहा था, बैग से आप मार्बल निकाल रहे थे, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, फिर उस बैग से मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते रेड। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मार्बल जो है रेड आ गया, इस बार उल्टा कर दिया उसने, कंडीशन क्या दी थी पहली कि मार्बल रेड है, पहले कंडीशन क्या थी कि बैग वन है उससे रेड मार्बल निकालना है, पी रेड अपॉन बी वन का मतलब बैग वन से रेड मार्बल निकालने की। लेकिन क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं अगर मार्बल रेड है, मतलब पहले उसने कंडीशन दे दी कि रेड है, तो भाई बी पार्ट में आता हूँ, ए पार्ट था, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन सजेस्टेड रेड, इसका मतलब उसने दे दिया कि मार्बल जो है रेड है, मार्बल जो ड्रॉ करा है वो रेड है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग वन से रेड मार्बल आया। तो उल्टा हो गया, ये रिवर्स केस हो गया, पहले आ गया ऊपर, आ गया बी वन, नीचे आ गया रेड, मतलब पहले रेड दे दिया उसने कंडीशन, अब बताओ बैग वन। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड अपॉन बैग वन वाला पार्ट, मतलब कि ये कितना था, 1/2 इंटू 2/7, 1/7 बट्टे 15/56। तो भाई ये कितना हो गया, 8/15 आ गया, 8/15, क्योंकि मैंने बताया था बेस थ्योरम से आ रहे हैं, ये बेस थ्योरम से आ रहा है, बेस थ्योरम से कैसे आ रहा है,
अगर आपको निकालना है पी बी वन बाई आर, तो उसका हो जाएगा पी बी वन इंटू पी आर बाई बी वन अपॉन में पूरा होता था, बेस थ्योरम में मैंने बताया था। और रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो बेस थ्योरम से होगा, तो भाई ये पार्ट जो है बेस थ्योरम का भी हो गया और ऊपर वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो ये जो होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, रेड रेड बॉल को छाटने की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेस थ्योरम में क्या होता है, अपॉन में जो होता है नीचे डेनोमिनेटर में, वो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। तो ये रेड का केस है, इस वाले में वो बोल रहा था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट मार्बल इज़ रेड, मतलब उसने पहले दिया था कि कॉइन छाटता है, अगर तेल आता है तो बैग टू पे जाता है और हेड आएगा तो बैग वन पे जाएगा। तो मैंने बताया कि बैग वन और बैग टू दोनों को छाटने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, हेड आया तो बैग वन पे जाएगा, टेल आया तो बैग टू पे, तो इन्हें छाटने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब वो बोल रहा है रेड बताओ रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड तो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी, तो बैग वन से रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली प्लस बैग टू से, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन 1/2 इंटू रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/7। तो भाई ये मैंने कैसे लगा दिया, बैग वन से रेड आने की, मतलब बैग वन इंटरसेक्शन रेड में निकाल रहा हूँ, तो मैंने बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों, बैग वन को छाटने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो एक सिक्के के टॉस पे डिपेंड कर रहा है और रेड होने की प्रोबेबिलिटी इसे प्रभावित नहीं कर रही है, बैग वन को छाटने की प्रोबेबिलिटी, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में हम मल्टीप्लीकेशन यूज़ करते हैं और ये जो आपको देगा पी बैग वन इंटरसेक्शन रेड देगा, आप वैसे भी देख लो ये वाला जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उससे बैग वन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन बैग वन देगा और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी जो है बैग वन और रेड बोथ, मतलब बोथ बैग वन एंड रेड मतलब इंटरसेक्शन, वो मल्टीप्लीकेशन से मिल रहा है, दोनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी 15/56 होगी। तो अब बेस थ्योरम में इसलिए गया क्योंकि उसने पहले कंडीशन कुछ और दी थी कि बैग वन से रेड तक हम जा रहे थे, अब रेड बोल दिया उसने, मार्बल को रेड बता दिया कंडीशन और बोल रहा है कि बैग वन से आए ये बताओ, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी जहाँ भी हो बेस थ्योरम लगानी है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर आ जाएगा ये वाला पी बी वन इंटू पी आर बाई बी वन, और इसमें उल्टा पूछ रहा है कि मार्बल रेड है तो बैग वन से आया, तो बेस थ्योरम था मैंने बताया था आपको ही। तो एक क्वेश्चन और दूंगा इसका फिर ख़त्म हो जाएगा, थैंक यू।